भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमाधृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोतिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दम्भो दर्पोतिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी सम्पदमासुरी दम्भो धर्मध्वजित्वं दर्पो धन स्वजनादि निमित्त उत्सेकः अतिमानः पूर्वोक्तः क्रोधश्च पारुष्यम् एव च परुषवचनं यथा काणः चक्षुष्मान् विरूपं रूपवान् हीनाभिजनम् उत्तमाभिजन इत्यादि अज्ञानं च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः कर्तव्या कर्तव्यादि विषयम् अभिजातस्य पार्थ किम् अभिजातस्य इत्याह असुराणां संपत् आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः सो दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता तो इस आधार वाक्य को ध्यान में रख करके सामने रख करके फिर इन संपत्तियों का मनन करना चाहिए। दैवी संपत् विमोक्षाय दैवी संपत् का पर्यवसान मोक्ष में होता है।
माने वो मोक्ष देने का अधिकारी बना देती हैं, और इस तरह से अंततः वो मोक्ष प्राप्ति में अर्थात स्वरूपावस्थान में हेतु बनती हैं। यही उनकी दिव्यता है, यही उनकी द्युति है, द्योतना देवः। रामानुजाचार्य जी ने कहा मोक्ष शब्द का या भगवत प्राप्ति, भगवान की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाली वृत्ति देव वृत्ति कहलाती है। इन वृत्तियों वाले जो लोग हैं उनको देव कहते हैं, और ऐसी वृत्ति को धारण करने से अंततः जो साधक है वो भगवत प्राप्ति करता है। मोक्ष शब्द का ये अर्थ किया उन्होंने, भगवत प्राप्ति, भगवान के लोक में सालोक्य प्राप्ति अथवा सारूप्य प्राप्ति अथवा सामीप्य प्राप्ति अथवा सायुज्य प्राप्ति, ये यह प्राप्ति ही मोक्ष है। चतुर्विध मोक्ष की प्राप्ति होती है। सायुज्य बोलते हैं तो उसमें परमात्मा में जीव मिल जाता है, लीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, लेकिन रहता है, इसको ऐसे बोलते हैं। भेदा भेद संबंध, भेद सहिष्णु अभेद, भेद को सहन करते हुए जो अभेद है, इसका दृष्टांत जो दिया गया है वो बड़ा विलक्षण है। जानकी जी का दृष्टांत देते हैं। जानकी जी भगवान से अभिन्न हो जाती हैं, एक ही है, कहियत भिन्न न भिन्न है, लेकिन भगवत इच्छा से ही एक होती हैं, और भगवत इच्छा से ही फिर भिन्न हो करके भी लीला में सहयोग करती हैं। ये देखो मत है उन लोगों का। तो जब द्वैत भाव रहेगा तो इस तरह के मतों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। द्वैत के धरातल पर माने जीवत्व को बचा करके जो धरातल बनता है उसमें साधना का चरमोत्कर्ष यही है, अपने इष्ट में अभिन्न हो जाना। इसका देखो लौकिक दृष्टांत बनता है, व्याप्ति बनती है। लौकिक दृष्टांत क्या है? मानो कोई समर्थ है, हमारा इष्ट है, साधु है, समर्थ है, ऐश्वर्यवान है, शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, प्रतिष्ठित है, यशस्वी है, धार्मिक है, विरक्त है, वही हमारा श्रद्धेय बनेगा। नीच के प्रति श्रद्धा होती नहीं। श्रद्धा का आश्रय, श्रद्धा का वर सदा ही कोई महत् पुरुष होता है। तो उसमें महत् गुण होने चाहिए, वही हमारा इष्ट होगा, वही मेरा श्रद्धेय होगा। अब जब हम उसके आज्ञानुवृत्ति होते हैं, जब हम उसके प्रति माने सेवा में होते हैं, आज्ञानुवर्ती हैं, उनके इच्छाओं को समझते हैं, तदनुसार चलते हैं, तो देखा जाता है कि सालोक्य की प्राप्ति हो जाती है। देखो लौकिक व्याप्ति देखना, तो वो जो महत्पुरुष है, संभव है वो अपनी सेवा के योग्य समझे आपको, और वो बुला ले आपको, यहीं रहो। ये क्या हुआ?
ये सालोक्य की प्राप्ति, उसी लोक में रहना हुआ जिस लोक में, तो वो हमारा इष्ट, वो हमारा श्रद्धेय रहता है। उस दर्शन को थोड़ा समझना चाहिए। ईश्वर जो है हमारा इष्ट, वो जीव से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि जीव भी सच्चिदानंद रूप है, आनंद अंश जीव में भी है। तो वह जो जीव में आनंदांश है, वह ईश्वर के प्रेम का हेतु बन जाता है। ये लेते तो जैसे जीव ईश्वर को प्रेम करता है, वैसे ही ईश्वर जीव को प्रेम करता है। और इसलिए जब वो आज्ञानुवर्ती दिखाई देता है तो उसको बुला लेते हैं। सालोक्य हो गया, फिर सामीप्य भी हो जाता है, देखा जाता है। अब देखो, व्याप्ति जो है वो दृष्ट होनी चाहिए, उसी को लेके अनुमान होगा। तो सामीप्य हो गया, सामीप्य से सारूप्य में गए। सारूप्य क्या हुआ कि अगर वहां ईश्वर है तो यहां भी ईश्वर दिखने लगते हैं, वहां ज्ञान है तो सेवक में भी ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। सेवक में भी, माने रूप माने केवल शरीर का चेहरा नहीं, तो अगर हमारे इष्ट में वैराग्य है तो सेवक में भी वैराग्य की वृद्धि होती है। वहां अगर धार्मिकता है तो यहां भी धार्मिकता की वृद्धि होती है। यहां अगर नियम निष्ठा है तो वहां भी नियम निष्ठा की वृद्धि। ये है रूप का एक होना। तो संत जन के निकट होने पर तद्रूपता तो प्राप्त होती ही है। शिष्य को जो सीधा लाभ मिलता है वो यही है। राजा के समीप रहने वाले में ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाती है, बल की वृद्धि हो जाती है, ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाती है। यह है क्या? सारूप्य। सायुज्य कैसा हुआ? इसी को और बढ़ा दो। तो इसको और बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि जो अत्यंत सन्निकट सेवक होता है उसकी वाणी स्वामी की ही वाणी होती है। मैंने इतनी कोई सन्निहितत्व में चला जाए तो दुनिया जो आसपास लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब वही कह रहे हैं। तो ये सचिव नहीं बोल रहे हैं, ये राजा साहब ही बोल रहे हैं। कोई कोई ऐसे लोग निकटवर्ती हो जाते हैं कि उनका, माने वो अपनी बात बोलते ही नहीं। सही बात है, जिस दिन अपनी बात बोलेंगे वो तो सालोक की भी शायद न रहे। ये हुआ है, माने भ्रम होता है जीवों को। तो मान लो हमने अपनी बात कोई बोलनी शुरू करी उनका नाम लेके, मिसयूज किया मानो, तो अब सायुज्य तो छोड़ो, सारूप्य छोड़ो, सामीप्य से भी घटता है आदमी, कई बार वो सालोक्य से भी पतित हो जाता है। तो ये तो देखी जाती है लोक में व्याप्ति। अब इस व्याप्ति के बल से अनुमान करना कि जो जीव है जब वो अपने इष्ट का आराधन करता है तो आज्ञानुवर्ती देवी संपत्ति माने आज्ञानुवर्ती वृत्ति उसमें पूरी तरह से विद्यमान होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो भगवान में इच्छा आती है कि इसको अपने लोग बुला लेते हैं। तो अब वैष्णव मत में जैसे सुखदेव जी महाराज भगवान के दरबारी हैं, सनकादि ऋषि
और वो पास में ही रहते हैं, कीर्तन होता है, अर्जुन जो है वो मृदंग बजाते हैं और सुखदेव तालधारी। सुखदेव जी ज़्यादा कुछ नहीं बजाते, ज़्यादातर समाधि में रहने वाले संत हैं तो वो ताली बजा लेते हैं बीच बीच में। जब कीर्तन खूब रंग पकड़ता है तब महाराज नंगू सनकादि ऋषि भी नंगू लोग तो वो अपना ताली बजाते हैं, सुखदेव तालधारी। अर्जुन मृदंग दबाते हैं अपना, क्योंकि वो तो सीखा हुआ है, उन्होंने जा करके स्वर्गलोक में अच्छी तरह से संगीत विद्या उन्होंने सीखा था, तो वो तो जमाने वाले हैं। नारद वीणा बजाते हैं, शाबाश कीर्तन करते हैं, रंग जमता है, रोज कीर्तन का रंग जमता है, भक्त लोग आनंदित होते हैं। सो दैवी संपत विमोक्ष है, ऐसा मोक्ष होता है। वेदांत कहेगा मोक्ष का ये रूप तो है ही है, अगर जीव भाव को बचा करके बोलेंगे तो यही रूप, अन्यथा स्वरूपावस्थान मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। बस ये भागवत जी की मुक्ति है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम क्या है? जीव रूपम। एकदम आना चाहिए ना, यही तो अन्यथा रूप है, वो हमारा रूप है नहीं। तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप का त्याग कर दे और कैसे रहे? स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए, इसका नाम होता है मुक्ति। ये दैवी संपत स्वरूपावस्थान में हेतु है परंपरा से। अच्छा भाई, निबंधा आसुरीमता, आसुरी संपत्ति निबंध का हेतु बनती है, वो क्या है? बोले वो अभी तो मैं ये कहता हूँ कि 26 तो दैवी संपत्ति है तो 6 हैं आसुरी संपत्ति। बोले महाराज गनीमत है, गनीमत है, अगर वो 26 और ये केवल 6 है तो बोले 6 क्या कहते हो, एक ही काफी। बर्बाद ये गुलशन के खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। बढ़िया बगीचा उद्यान सुंदर हो लेकिन शाम को हम बैठे, थोड़ी रात हो गई हैं, सुंदर सुंदर बगीचे में से महक आ रही थी, उस बीच में वो शुरू हुआ बोलना उल्लू। कितने लोग बैठेंगे वहां? तो बर्बादी है गुलशन के खातिर बस एक ही, ज्यादा उल्लू नहीं चाहिए, बस एक ही उल्लू काफी है। अगली पंक्ति क्या है? हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता, अंदाजे नहीं, एक लगाऊंगा। मेरे कान सुन लेते हैं, ये समस्या है, बोलो। ये अंदाजे में अंदाज मार दिया, तिवारी जी जरा डंडा बढ़ाइए उधर से। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? उस उद्यान का अंजाम, उसका परिणाम क्या होगा जब चारों ओर से वही बोलने लग जाए? ये आसुरी संपत्ति तो महाराज एक ही काफी। दंभ, दंभ कल हम लोग बात कर रहे थे, धर्म ध्वजित्वम स्वधर्म प्रकटीकरणम। यहां पर अप्रकटीकरणम मत बोलना, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ, क्योंकि दिखाना आदमी वही चाहता है जो हमारे में अच्छा है।
तो उसका प्रकटीकरण करने की एक प्राकृतिक वृत्ति चली आ रही है। मैं जब कर रहा हूं तो इच्छा हो जाती है कि कोई इसी समय आके देख जाए लव, और अगर सोया पड़ा हूं तो इच्छा पूरी होती है कि इस समय कोई ना आवे लो। अब देखो हैं, ध्यान कर रहा हो आदमी, कुछ अच्छा कर रहा हो, काम कर रहा हो, लिख रहा हो कुछ, मैंने तो एकदम साधारण दृष्टांत दे रहा हूं, तो आदमी में एक प्राकृतिक, पता नहीं अनादि काल से एक रोग लगा हुआ है। वो टाट वाले बाबा का मैंने सुनाया था ना, नारायण बेचारे बोले ये महाराज अहंकार ये टांग तुड़वा देगा, और पद्मासन में बैठे महात्मा, अब पांव दुखने लगे, चरमराने लगे, तो खोलने की इच्छा होने लगी, उसी समय आहट सुनाई पड़ी, कुछ लोग आ रहे हैं, ओ तन के बैठे वहां। अब वो उनका, और देखो माया भी तो गाढ़ी है ना, उन्होंने बोल दिया क्या महात्मा है, देखो कैसे बैठ गए, हमसे तो एक मिनट नहीं बैठा जाता है, और तने हुए हैं, टांग टूटी जा रही। तो ये जो दिखने की जो इच्छा है, अच्छा दिखने की, साधक दिखने की, धार्मिक दिखने की, नारायण, दैट ओनली लीड्स टू हिपोक्रेसी। लेकिन शुरू में तो वो होता है ना, जो आप में है उसी को दिखाना चाहते हैं, स्वधर्म प्रकटीकरणम, नारायण, इसमें क्या हानि है? दो हानि तो बनी गई, पहली जो मुख्य हानि है वो वही है कि जो दिखाया जाता है वो बहिरंग हो जाता है और वहां उसका जाके क्षरण होता है, वो फिर अपने लिए नहीं हो जाता, किसके लिए होता है? परार्थ हो जाता है। देखो आप अपना अपना देखो, हम अपना देखते हैं, माने मैं फिर जब करता हूं तो क्या अपने लिए नहीं, या अपने लिए गौण, कोई और देख जाए उसके लिए। अब देखो तो साधना का उद्देश्य ही बदल गया, मैं पढ़ रहा हूं तो अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, मैं प्रवचन कर रहा हूं तो अपना मनन होवे चाहे ना होवे, दूसरा प्रभावित हो जाए, दूसरा वाह वाह कर उठे। अब ये देखो तो परार्थ हो गया, जो इतनी बड़ी चीजें हैं वो सब की सब परार्थ हो गई, माने दवाई दूसरे पे लागू हो रही है। परार्थ का मतलब क्या हुआ? अपना रोग दूर नहीं कर रही हो, ये दशा हो तो बहिरंगता आई। दूसरा, थोड़े दिनों बाद वो ढोंग में बदल जाती है, अने शुरू में तो स्वधर्म प्रकटीकरणम है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही ऐसी चीज का भी प्रकट करने लगती है जो चीज हमारे पास नहीं है। तो जिसको रियल ढोंग बोलते हैं, पाखंड, अन्यथा प्रकाशनम, वहां हमारी गाड़ी अंततः पहुंचती है। तो यह जो दंभ है प्रारंभ में स्वधर्म प्रकटीकरणम, वो बाद में हिपोक्रेसी, इट कन्वर्ट्स इनटू प्योर हिपोक्रेसी। वहां तो समझो विनाश ही है, क्योंकि फिर वहां झूठ भी आता है, फिर वहां पर तनाव बहुत होता है, और पोल खुल जाने पर नारायण अपयस और उपहास, अब ये सब चीजें, मैंने गंदी चीजें जीवन में आ ही जाती हैं। इसलिए नाम लिया पहला दंभ, दूसरा नाम लेते हैं दर्पह। दर्पह क्या चीज है?
रामानुजाचार्य जी महाराज ने लिखा इसके लिए, विषय निमित्तक कृत्याकृत्य अविवेक करह हर्षः। दर्प क्या है? बोले एक हर्ष वृत्ति का नाम है। बहुत सुंदर है ये, यानी इसमें खुशी रहती है, चित्त में एक प्रकार की खुशी रहती है, आनंद रहता है। हर्षः, उस हर्ष का निमित्त क्या है? बोले विषय। हाँ, माने अपना स्वरूप नहीं, विषय निमित्त। विषय माने क्या? अब जैसे अपना पद है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपना धन है, अपनी सफलता है। भाष्यकार ने लिखा उसको धन स्वजनादि निमित्त। ध्यान रखना एक ही बात है दोनों, धन स्वजनादि निमित्त। कोई उत्सव है कोई, तो बिना विषय का हेतु प्राप्त हुए ये हर्ष वृत्ति उठती नहीं है। उत्सेक माने उत्साह, थोड़ा उछाह जीवन में आया हो, उत्तंभन हुआ हो जीवन, तो उसको रामानुजाचार्य जी ने कहा हर्ष वृत्ति विषय निमित्त। लेकिन एक फल उसका बताया बहुत बढ़िया, क्या है वो? कृत्याकृत्य अविवेक कर, कर्तव्या कर्तव्य में इस हर्ष का परिणाम क्या है? कर्तव्या कर्तव्य में अविवेक को उत्पन्न कर देने वाला हर्ष। ये मनु महाराज को मैंने कई बार सुनाया होगा, मनु महाराज ने लिखा हृष्टो दृप्यति। जो हृष्ट है माने हर्षित हुआ है, विषय निमित्त वो जोड़ लेना आप, विषय की सन्निधि के कारण जो हर्षित हुआ, उत्सव पद प्रतिष्ठा सब सफलता इत्यादि से हर्षित हुआ, हृष्ट है, उसका अगला इसी हर्ष वृत्ति का परिणाम होगा अगला दृप्त है, दर्प हो गया। दर्प का अनुभव कैसा होता है कि थोड़ा हम अपने आप को पहले से अधिक समझने लगते हैं, अपने में थोड़ा अतिशयता का बोध होता है, फूल जाता है आदमी, ये समझो। हाँ, हवा भर गई तो ये फूल गए जनाब। हृष्ट दृप्यति, दृप्त है नहीं बोला है तो दृप्त धर्मम अतिक्रामति। ये मनु महाराज मनुस्मृति में, जब एक बार दर्प हो गया तो उसका जो सहज परिणाम है वो है धर्म का अतिक्रमण। हमने दृष्टांत दिया था उस समय कि उस दिन आदमी ऐसे बोलता है कि आज चलेगा, क्योंकि आज खुशी का दिन है तो आज चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा भाई? बोले जो रोज नहीं चलता। नहीं देखो, सामान्य रूप से जो चीज नहीं चलनी चाहिए उस दिन आदमी बोलता दिखाई देता है कि आज चल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चीज हम चलाना चाहते हैं जो धर्म सम्मत नहीं है, लेकिन हम ऐसी मान्यता बना लेते हैं कि धर्म सम्मत न होने पर भी अवसर विशेष होने के कारण, खुशी विशेष होने के कारण, तो आज इसका चल जाना धर्म विरुद्ध नहीं है। मैंने उसको, एक तो आदमी जब अधर्म करता है तो कदाचित ग्लानि होती है, आज के दिन ग्लानि नहीं होती। हरिओम, ये देखो मैंने चला भी दिया और
ग्लानी भी नहीं हुई, तो ये तो डबल हो गया ना। इसलिए दर्प को हर्ष वृत्ति मानते हुए भी आसुरी संपत्ति बोलते हैं। हर्ष वृत्ति मानते हुए भी है ये खुशी, लेकिन ऐसी खुशी मत लेना जो आपको अंततः धर्म का अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करे। अविवेकी बनावे ये दर्प, फूले रहते हैं जो असुर स्वभाव वाले लोग हैं। एक तो दम्भी हैं, दूसरा नंबर आता है फूले ही रहते हैं। जब देखो दम्भो दर्प अति मानस, भाष्यकार लिख दिया पूर्वोक्ता कल आपने पढ़ा अस्थाने गर्भ, इसका नाम है अतिमान। अहंकारी स्वभाव, इसका अर्थ रामानुजाचार्य ने ऐसे किया कि धन संपत्ति इत्यादि को लेकर के अपने कुल पद आयु प्रतिष्ठा के अनुरूप मान होना, अने ऐसा मान कर रहे हैं जो हमारे कुल के विरुद्ध है। अब ब्राह्मण है मानो, और मान क्या है कि मैं बहुत बदमाश हूं, लो अब बोलो आप जरा, तो ये मान कैसा है? ब्राह्मणोचित तो नहीं हुआ। अगर आप ये कहो कि मैं विद्वान हूं तब तो ठीक है तो ये तो उल्टी बात हो गई। इस तरह से ऐसे वो बोलते हैं, लेकिन आप समझ तो अतिमान माने इगोइस्टिक, अहंकारी होना। जब देखो तब मैं को घुसेड़े रहता है। मैंने ऐसे लोग कभी दुष्ट प्रारब्ध के कारण मिल जाते हैं महाराज, घंटा बिताना मुश्किल हो जाता है। जब देखो कोई भी बात छेड़ेंगे उसमें मैं घुसा है, थोड़ी देर बाद आदमी अपने को बीमार अनुभव करने लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बिल्कुल दक्षावतार है, मैं करता रहता है ये ऐसा अहंकार अति दुखद डमरुआ गोस्वामी जी ने इसको डमरू रोग बताया है। किंकर जी महाराज कहते थे एक फोड़ा है, ये फोड़ा होता है तो वो सामान्य शरीर से थोड़ा उठ जाता है, कड़ा भी होता है, छूने में कड़ा होता है और लाल लाल होता है, राम राम। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा स्वस्थ है। देखो किंकर जी महाराज की व्याख्या, और उस पर से कपड़ा भी लग जाए ना तो फिर वो एकदम से परेशान करता है। तो माने अहंकारी लोग टची बहुत होते हैं, हवा भी उधर से चल जाए कोई पत्ता हिल जाए बोले हमको ही देख के हिल रहा है, अरे यार तो कोई है नहीं, हवा चल रही है बोले नहीं नहीं ये क्यों मेरे को देख के, अच्छा मैं देख कल कटवाता हूं इसको ल ये टची लोग होते हैं बिल्कुल, स्वयं को दुखी करते हैं दूसरों को भी दुखी करते हैं ये डिस्क्रिप्शन देखो, एक डिस्क्रिप्शन जो है अहंकार का गोस्वामी जी ने हनुमान जी के मुंह से दिलवाया। क्या बोलते हैं वहां मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। देखो ये डिस्क्रिप्शन है
इसके बाप का नाम है मोह। माने ये बिना बेवकूफ हुए पैदा नहीं हो सकता। ऐसा पहला नाम ये रखा, मोह मूल। अच्छा, पैदा होने के बाद सुख देता है? ना ना, बहुशूल प्रद, दुखी करता है। तीसरा, परिणाम में तम को बढ़ाता है, माने अविवेक को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता जाता है। इसलिए तीन लक्षण बताए, मोहमूल, बहुशूल प्रद, त्यागहुत्तम। चूंकि ये तीनों अनिष्टकारी हैं, इसलिए त्यागहुत्तम अभिमान। भगवान का भजन करो, इसको छोड़ो। तो अतिमानस्य, अहंकारी व्यक्ति क्रोधी जरूर होगा, इसलिए अगला ही जो शब्द है वो क्या है, क्रोध। वाह, भाष्यकार ने कहा भाई ये तो हमने बोल दिया, अक्रोध में ही आप समझ लो क्रोध। अक्रोध का क्या लक्षण किया था? हैं? पढ़ लो पढ़ लो, मैंने इतना तो मुझे विश्वास है कि हैं? नहीं नहीं, उत्पन्नायाम विकार शमनम ये है। अक्रोध देखो इधर है, इधर बोलते हैं प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, इसको बोलते हैं अक्रोध। हमने जब इसकी चर्चा की थी तो बस आपको याद दिलाने के लिए, क्रोध जो है वो आसुरी संपत्ति का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, समझो आप, बुद्धिनाशक है। क्रोध का सीधा जो प्रहार है वो कहाँ है, क्रोधात भवति सम्मोह, बस उसको ध्यान में रखो आप। रामानुजाचार्य ने तो कहा पर पीड़ा फल, फल पर पीड़ा फल करह चित्त वृत्ति, ऐसा शब्द लिखा, चित्त की ऐसी वृत्ति जिसका फल है दूसरे को पीड़ा देना। लेकिन वो आप कर लो, मुख्य बात याद रखें क्रोधात भवति सम्मोहः, इससे बड़ा दुर्गुण नहीं हो सकता। विवेक खा जाए तो वही सबसे बड़ा दुर्गुण है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो क्रोध बीच में आता है। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन गीता में मिला क्रोध के लिए वो है महापापमा, कामेश क्रोधेश, ये गीता जी से ही गीता जी का अर्थ है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा गुरुमपि आक्रोशति, माने बिल्कुल अविवेक कर देने वाला ये एक वृत्ति है। तो ये ऐसी चीज है। एक बात और गीता में क्रोध को लेकर के मिलती है, अरे आपको पढ़ते रहना चाहिए। वहां कहा गीता जी में भगवान ने कि इसका एक वेग होता है, शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् कामक क्रोधोद्भवम वेगम युक्तः स सुखी नरः। बोले अगर कोई नरः, अगर कोई नर इस वेग को सहन करने में समर्थ हो जाए, ये लिखा, तो स युक्तः, वो समझो युक्त है, समाहित है,
और स सुखी नरह, वो उसका सुख कोई छीन नहीं पाएगा, उसके सुख में वृद्धि जरूर होगी। लेकिन जो लोग ये नहीं समझ पाते तो उनके साथ दो तीन समस्याएं देखने में आती हैं। मैंने अपने में है तो जल्दी आदमी अपने में उसको ठीक से देख नहीं पाता, दूसरे में देखता है। तो क्या देखने में आती हैं? एक तो ये है कि आदमी क्रोध को जस्टिफाई करता है, उसके औचित्य को सिद्ध करता है, ना ना मैंने जो क्रोध किया बड़ा अच्छा किया। तो औचित्य सिद्धि ये पहली गलती है, त्याग का दरवाजा ही बंद। दूसरा, उसमें महत्व बुद्धि, एक तो वो उचित है, दूसरा मैंने जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं ना उनमें महत्व बुद्धि हो जाती है। वो कहते हैं देखो मेरा क्रोध बहुत खतरनाक है। अब ये बोलने की बात है, लोग बोलते हैं मुझे क्रोध चढ़ता है तो मुझे आगे पीछे दिखता नहीं। अरे तो ये तो अंधे हो गए तुम, तो ये बड़प्पन है तुम्हारा। अरे जो चीज उसको पतन की ओर ले जा रही है उसको बोल के बताता है कि मुझे आगे पीछे फिर दिखता नहीं, मुझे कोई बड़ा छोटा दिखता नहीं, माँ बाप दिखते नहीं, तो तू भयंकर अंधा हो गया। लेकिन उसी में महत्व बुद्धि है। एक तो पहले उचित भाव रखते हैं, फिर महत्व बुद्धि बढ़ जाती है। दूसरा, ध्यान न देने से ये त्याज्य है ऐसी बुद्धि न होने से प्रयास भी नहीं करते, तो ऐसा होने से वो धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, वृत्ति की बजाय स्वभाव बन गया वो। तो वो आदमी जो है थोड़ी बात पर मैंने फ्लेयर अप होता है, तभी दूसरे लोग कहते हैं ये बड़ा क्रोधी है। मैंने क्रोध तो सभी में होता है कम ज्यादा, लेकिन जिसको हम क्रोधी बोलते हैं वो कौन है? वो है जिसका कि स्वभाव ही बन गया कि थोड़ी बात पर पता चला कि वो फ्लेयर अप, जब देखो तब क्रोध, जब देखो तब क्रोध, छोटी मोटी बात पर भी चढ़ा एकदम से। तो लोग अवॉइड करते हैं, भाई बोले ये तो फ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल, ये तो ऐसा आदमी दिखता है। कारण कहाँ से आया? क्योंकि जो चाल था वो अब उसका हाल हो गया। तो वो उसको लोग हम बोलने लगते हैं, हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है। बहुत नुकसान करता है आदमी का, नाशक है। और हमने एक दो बात और कही थी, वो इस पर मैं बल दे रहा हूं इसलिए थोड़ा इसको समझ लो आप, छोड़ना चाहिए। ये है कि चित्त में शांति का संपादन करने के लिए कुछ करते नहीं, पूजा ध्यान जप, यू नो, तो इरिटेबिलिटी जो है ना, चिड़चिड़ापन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी लेवल रिमेन्स वेरी हाई ऑल द टाइम। तो आदमी चिड़चिड़े मूड में अगर है तो वो थोड़ा भी उसको पिंक करो तो बस बस हो गया। उसी निमित्त को दूसरा जो समाहित व्यक्ति है उसको जब कुछ करते हैं तो उसको कुछ खास लगता नहीं, लेकिन झुंझलाया हुआ आदमी अगर रहे तो उसको परेशानी होती है। तो अब देखो, रोग को सही पहचानो, तय होना चाहिए कि ये त्याज्य है, तय होना चाहिए कि ये अनुचित है, तय होना चाहिए कि भगवान इसको महापापमा बोलते हैं और हम कहते हैं बड़ी बड़ी बात है, लो
तुमने उल्टी बुद्धि हमें रख छोड़ी है, महिमा की बात नहीं है ये, पापी है। तो इस निष्कर्ष पर कहीं न कहीं आदमी को पहुंचना है कि ये त्याज्य है। अब यहां से तो शुरुआत होगी, पहले वर्ण तो हो, संकल्प तो हो कि हाँ त्याज्य। फिर महाराज वही है, चित्त में शांति अधिक से अधिक स्थापित की जाए। भगवान से भी प्रार्थना की जाए, वेग को टाला जाए। वेग टल जाए तो चीज का बल, माने ये जो मनोविकार है ना, इनका वेग, प्रथम वेग ही प्रबल होता है। अगर प्रथम वेग को कोई संभाल ले जाए, द्वितीय वेग में आप बलवान हो जाते हो या निर्बल हो जाता है। मैंने अगर कह दिया जाए कि कल देखेंगे इसको, आज रहने देते हैं, कल देखते हैं, तो कल आप पाएंगे कि वो आपके ऊपर इतना हावी नहीं है, अब आप विवेक से काम करने जा रहे हो। तो उपाय न निगृहणीयात, उपाय से इन चीजों को ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अपने सुख के लिए। भगवान ने ही कहा स सुखी नरह। और आप समझते हो जिसके पास जो है वही देता है। अगर आप सुखी हो ना तो आप जरूर सुख बांट पाओगे, लेकिन वो आप हमारे पास ही नहीं हो तो मैं कहां से बांटूंगा। मैं चिड़चिड़ाया हूं तो फिर वही दूंगा मैं दुनिया को। तो आई विल नॉट बी अ गुड कंट्रीब्यूटर, निश्चित है। मेरा कंट्रीब्यूशन खराब ही रहता है। तो असुर जो है वो संपत्ति वही हो गई जिसके स्वभाव में शॉर्ट टेम्पर्ड, अरे रामा, दो मिनट में आंखें लाल लाल, सांसें ऐसी गर्म हो गई जैसे किंग कोबरा फूंक करता, ऐसे होने लगता है, सांस फूल जाती है, छुआ नहीं कि बस। असुर संपत्ति है क्रोध, अतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। ये देखो पांचवा है। पारुष्य क्या मतलब? कठोरता। संत के लिए क्या कहा था? मार्दवम। ये देखा ना, मैंने एकदम उल्टा है। इधर अंतकरण ऐसा बना हुआ है, कठिन है। कठिन माने कैसे इसको जाना जाए? दूसरे का दुख देख करके स्वयं में दुख की अनुभूति होती नहीं, अपने चित्त तदाकार होने में असमर्थ है। सहानुभूति माने समझते हो ना? सहानुभूति माने क्या होता है? तदाकार वृत्ति हो जाना, सह अनुभूति। अंग्रेजी में भी इसके लिए यही शब्द बना है, सिंपैथी। दुखी को देख करके वृत्ति हमारी भी जब दुखाकार हो जाती है, तब तो समझना चाहिए कि जैसा विषय है वैसा वृत्ति आकार ले रही है, तो ठीक आकार हो गया। पारुष्य क्या हुआ? कि सामने दुख है, वृत्ति तदाकार नहीं हुई। अच्छा, अब इसको और बढ़, माने जब बढ़ जाता है ये रोग, तब कैसा होता है? कि दुखाकार तो नहीं हो रही है, सुखाकार हो रही है। राम राम, सैडिस्टिक जो है जिसको बोलते हैं, माने विपरीत परिणाम को वृत्ति प्राप्त हो रही। मेरे आनंदित होने का तरीका ही उल्टा हो गया कि दूसरा पहले दुखी हो तब मैं सुखी हूं। तो किसी का विलखना जो है मेरे लिए दुख का हेतु ना होकर है आनंद का हेतु। तो पारुष्य है। भाष्यकार ने कैसा बोला है देखो, इतनी दो तीन पंक्ति लिख डाली इस पर। क्या बोलते हैं? बोले यथा पुरुष वचनम, यथा काण चक्षुष्मा
कोई काना हो उसको कोई आके बोले आओ आओ नैन सुख, ऐसा बोलने वाला, इसको बोलते हैं पारुष्य। यानी बेचारा दुखी है पहले से, उसमें हीन भावना है, आप उसके ऊपर चोट कर रहे हो। आंख वाले पर चोट करो तो ही बुरा है, जो पहले ही उससे हमेशा ही एक दर्द है उसके मन में। काण चक्षुष्मान विरूपम रूपवान, आओ 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 विश्व सुंदर हो तो आप लो। जो महाविभत्स हो बेचारा, उसके ग्लानि में भरा रहता हो, अब आप बोल रहे हो रूपवान, विरूपम रूपवान। फिर अब ये तो दृष्टांत है, हीन अभिजनम, हीन अभिजनम का यही है, अभिजनम का मतलब होता है कुलीन होना। हीन अभिजनम, जिसका घर नीच परिवार में, अरे ऐसे परिवार में जिसका कोई यश नहीं है, निम्न वर्ण है अथवा दरिद्र है, इस तरह का, उसको बोलते हैं हीन अभिजनम। उसको क्या पुकारा जा रहा है, वाह उत्तमाभिजन इत्यादि। ये आई आइए कुलीन शिरोमणि लो। तो एक ये तो नमूना है, कहने का अभिप्राय यह है, ये क्या बोल करके क्या मिल रहा है इसको, इसको खुशी मिलती, इसका बोलने से दूसरे को क्या मिला, दुख। तो चित्त की वह गति पारुष्य कहलाएगी जो दूसरे को दुखी करके सुखी होने का स्वभाव रखती है। इसको लोगों ने साइकोलॉजी में सेडिस्टिक जॉय बोल दिया। अब मेरी समझ नहीं आती कि इस्लाम जैसा धर्म है, इतना पुराना भी है और इतने बड़े लोग उसको मानते हैं, वो महाराज बकरे को काटते नहीं, हलाल करते। लुक एट दिस, मेरी समझ नहीं आता इसका क्या जस्टिफिकेशन है, बताइए। उन्होंने मांसाहारी होना ही पहले तो ऐसे ही बकवास है, ऊपर से जो है ना, हम झटका नहीं, हम क्या हलाल करेंगे, उसको धीरे धीरे मार दें। राम 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 राम, पता नहीं लोगों को कैसे वो रुधिर प्रदिग्धान जो है, कैसे उनको पचता है, खाते हैं। मैं महाराज काली मंदिर में कलकत्ता में दर्शन करने गया, अब आदत है परिक्रमा करने की, मुझे नहीं जाना चाहिए था। उन मंदिर के बाहर अने मेन जो गर्भगृह है, परिक्रमा करने निकला तो पीछे वो बलिस्थान, मेरे चित्त से वो जो है जल्दी जाता ही नहीं। अब उसको महाराज चंदन वंदन लगाया, उसका देख लिया था उसने कि ये अब यही करने वाले लोग, खून ऑयल पहले भी गिरा था उसके सामने, हो सकता है किसी काटा तो, उसके दोनों कान लटके हुए, चेहरा ऐसे, मतलब आंख में आंख मेरी मिल गई उसके, इसीलिए वो वृत्ति में से जाता ही नहीं जल्दी। मैं भागा वहां से, मैंने कहा चलो भट्टाचार्य जी यहां से एक सेकंड नहीं रहना है, चलो अब यहां से। लोग उसको धर्म समझते हैं, अब क्या कहा जाए, ठीक है होता होगा। मंदिरों में पशुपतिनाथ में क्या, वहां भी एक बलि स्थान, पारुष्यम काठिन्यम, चित्त की अत्यंत विपरीत गति, दुख में दुखाकार न हो करके हैं सुखाकार हो ना। रामानुजाचार्य जी ने लिखा साधु जन उद्वेग करम। पारुष्य का अर्थ ये किया उन्होंने कि जो साधु जन हैं उनके चित्त में यह स्वभाव उद्वेग पैदा करता है। पारुष्यमेव च कठोरता कठिनता। आप सोचो चित्त का अगर ऐसा स्वभाव बना हो तो ब्रह्म को देख के ब्रह्माकार वृत्ति तो बनेगी नहीं,
मिलाओ जरा, हाँ तो क्या बनेगी, शायद सर्पईकार बन जाए। वृत्ति विपरीत परिणामिनी हो गई ना। तो यथार्थानुभव प्रमा करने की बजाय ये हमेशा ही अयथार्थानुभव की ओर जाएगी। किसी का विनय देख करके हो सकता है छलाकार वृत्ति बन जाए, कोई छल तो नहीं कर रहा है ये। मैंने इस वृत्ति में एक स्वभाव ऐसा डाल रहे हो आप जो यथा विषयाकार नहीं हो करके अन्यथा विषयाकार हो रही है, भयंकर गलती है ये। तो ज्ञान ही गलत हो गया आपका। जब देखो तब कोई मीठा बोले सावधान, अरे कुछ बात होगी, लो। भगवान सामने आ जाए, क्या बात है यार ये क्यों आए। आदमी जो है हमेशा उल्टा सोचने का अभ्यासी हो जाएगा। चित्त तो आखिर प्रकृति का हिस्सा है, परिणाम का जो उसने स्वभाव सीख लिया वही परिणाम होगा। कोई भला करे आपको, खाने के लिए बुला है, खाने के लिए बुला रहा है, क्या है मनसा इसकी, बिल्ला। पारुष्यम एवच। और छठा जो सबसे बढ़िया वाली संपत्ति है असुरों की, वो है अज्ञानम, बहुत बढ़िया है ये, सबसे प्रिय संपत्ति है। या अज्ञान माने स्वरूप अज्ञान नहीं, इन्हें ध्यान दो, वो तो खैर है ही है। वो तो दैवी संपत्ति वालों में भी है अभी जब तक मुक्त ना हुए हों। तो अज्ञानम माने क्या, भाष्यकार लिखते हैं कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम, मिथ्या प्रत्यय अविवेक ज्ञानम, माने ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान बहुत है, बस उल्टा है। जो करणीय है उसको अकरणीय समझता है, जो अकरणीय है उसको परम कर्तव्य समझता है। ये अर्थ कैसे हुआ अज्ञानम का, यही अर्थ थी। आगे भगवान स्वयं ही असुरों का वर्णन करते समय पहली बात जो बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। ये देखो स्वरूप नहीं, क्या लिखा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, विदुः आसुराः न। तो गीता का अर्थ गीता से ही समर्थित है नारायण। बोलते हैं अभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। हे पार्थ, अभिजातस्य आसुरीम संपत, कुछ ऐसे जन्मे हुए लोग होते हैं जो इस आसुरी संपत्ति के साथ ही जन्म लेते हैं। अभिजातस्य आसुरी संपत, पिछले श्लोक से लें तो भवंती जोड़ लें, तो अभिजातस्य आसुरी संपत भवंती, ऐसे बन गया ये। मैंने पूर्व पूर्व के जन्मों के कारण ऐसी कमाई लेकर ये लोग पैदा होते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है, अब भगवान बोलते हैं दैवी संपद विमोक्षाय। निबंधायासुरीमता माशुच संपदं दैवीं
दैवीं, किसी का ह्रस्व उच्चारण हो जाता है। मा शुच संपदं दैवीं, अभिजातोऽसि पांडव, दैवी संपत्ति या सा विमोक्षाय, संसार बंधनात्, संसरण के बंधन से छुड़ाने वाली जो संपत्ति है उसका नाम है दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति या वह दैवी संपत्ति कहलाती है जो विमोक्षाय संसार बंधनात् निबंधाय। निबंधाय शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं भाष्यकार? बंधाय शब्द पर्याप्त है, निशेषेण बंधाय। निशेष माने क्या? बोले नियतः बंधा, आपको बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बंधे हुए हो। देखो देखो बारीकी देखो, सावधानी देखो। तो फिर ये क्या करती है आसुरी संपत्ति, क्या करती है? बोले उस बंधन पर 10 बूंद पानी गिरा के नियतः कर देती है उसको, बस इतना ही समझो आप। बंधन को पक्का करती, बंधन को दृढ़ कर देती, क्योंकि बंधन उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। ये अद्भुत बात है। नियतः, नियतः बंधाय, निशेषण बंधाय नहीं कहा। व्युत्पत्ति प्राय क्या निकलनी चाहिए? निशेषण बंधाय ना, बंध तो पहले से। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपत मता अभिप्रेता तथा राक्षसी, मैंने आसुरी में राक्षसी जोड़ लेना है। अब अर्जुन ने जब सुना महाराज ये 4 श्लोक और 5वें का ऊपरी हिस्सा सुना जब उसने, तो अपने बारे में सोचने लगा कि मैं कौन हूं। देखो ये हमको भी सोचना चाहिए, अर्जुन के पीछे पीछे चले हम। जैसे अर्जुन को परेशानी होने लगी हैं, वैसे अपने को भी होनी चाहिए। तो जब उसको चिंता हुई कि मैं दैवी में जाता हूँ कि आसुरी में जाता हूँ, तो क्यों चिंता हुई होगी उसको? बोले कभी कभी यू नो बड़ा मिश्रित सा हो जाता है मसला। कभी तो दर्प आता ही है, क्यों तिवर जी? और मुस्कुराए जा रहे हैं बस। और भाई कभी क्रोध भी आता है, इतना क्रोध आता है कि मैंने देखा है महाराज। राम राम राम। मान भी होता है नहीं, पारुष्य नहीं होता, खूब होता है भाई। कई बार हम दूसरे का दुख इग्नोर करते हैं, चित्त विगलित नहीं होता। तो अर्जुन को शंका हुई कि मामला क्या है, मेरा क्या हाल है भाई? अभयम तो ठीक है, सत्व समशुद्धि, मैंने कोई बहुत छल कपट वाला तो नहीं कभी किया व्यवहार। ज्ञान योग व्यवस्थिति सुन तो रहा हूं भगवान को सीधा ही सीधा है, शरणागति तो है। तो मेरा क्या हुआ? दानम भी होता है, दमस्य, वो सब तो है, लेकिन बीच में उधर वाला भी खींच के आ ही जाता है। भगवान ने देखा ये तो शोक कर रहा है, देखो वाणी कैसी है, तुरंत बोलते हैं क्या? मां शुच, अरे अर्जुन पांडवा नाम धनंजयोस्मि, तुम क्यों चिंता कर? मैं तो तुमको पहले ही अनघ अनघ बोल चुका हूं, तुम तो अपाप हो, निष्पाप हो, तुमको क्या चिंता है? मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव, हे पांडव त्वम
अभिजातः असि, असि पद से कर्ता कौन बनेगा, त्वम, त्वम माने त्वम करके संबोधित करते हैं। ये संस्कृत में ये बढ़िया चीज होती है, क्रिया अपने कर्ता को खुद ही तय करती है कि मेरा करने वाला कौन है। हे पांडव, संबोधन विभक्त, हे पांडव त्वम असि, त्वम अभिजातोसि, तुम तो जन्मे हो। क्या, कहाँ जन्मा हूं प्रभु, दैवी संपत्त अभिजातोसि, तुम तो दैवी संपत्ति वाले होकर के ही जन्मे हो। मैं बोल देता हूं, तुम्हारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पावे तो न कर पावे, मैं निर्णय करता हूं तुम्हारे बारे में। भगवान के सबूत हैं। तत्रैव मुक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किम, भगवान ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के हृदय में क्या भाव आया, बोले अहम आसुर संपद युक्त किम वा दैव संपद युक्त। स्पष्टम ना, इसके लिए अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं, एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य, जब ऐसा विचार करते हुए भगवान ने अर्जुन को देखा तो आह भगवान, भगवान बोल पड़े मा शुच शोकम मा कार्षी, भावी कल्याण त्वमसि इत्यर्थो हे पांडव, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम तो देव संपत्तियों को लेकर जन्मे हो अर्जुन, देव संपत्ति से युक्त हो। 26 जो गुण है ना, 26 जो संपत्तियां हैं, वो प्रकृष्ट मात्रा में तुम्हारे व्यक्तित्व में प्राप्त होती हैं। न्यून मात्रा में मानो सब में भी प्राप्त होंगी, लेकिन अर्जुन में तो प्रकृष्ट मात्रा। अभयम उसके जैसा क्या होगा, भगवान से कहता है महाराज जो यादवी सेना उनको दे दो, मुझे तो आप चाहिए, और क्या चाहिए बताइए। सहज निर्भय स्वरूप था, शिव जी से जब लड़ा वो, उसको 1 सेकंड नहीं लगा ये पता होते ये तो सामने वाला मुझे कुचल ही देगा, मैं तो इसके सामने बच्चा भी नहीं हूं, ये तो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई है ये, लेकिन भागा नहीं, बस समबल हो अधिक बलवाना, लरब सुखेन काल किन होई, जौरन हमें पचारे कोई। ये निर्भयता का ये स्वरूप है, हारना जीतना निर्भयता का स्वरूप नहीं है, अभय स्वरूप है, शरणागति तो अद्भुत है, निश्चल व्यवहार करता है। माने अर्जुन का धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति 100% समर्थन था, और आपको मालूम होगा, माने आपको जानना चाहिए कि अर्जुन के 100% समर्थन के कारण धर्मराज की चलती थी, क्योंकि भीम भी फिर चुप हो जाते थे, भीम कई बार विरोध करते थे लेकिन फिर अर्जुन की ओर देखा जाता था तो अर्जुन तो जो भैया ने कहा वो ठीक है। अब उन्होंने जो कह दिया, अर्जुन ने भीम को माननी पड़ती थी, माने अर्जुन कभी ज्यादा बोलते नहीं थे, बस ये है कि युधिष्ठिर का समर्थन। आप पढ़ो महाभारत, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो नकुल सहदेव की क्या हिम्मत की विरोध करें, बीच में मध्य में 5 में ये महाराज बीच में पड़े थे, 2 उधर 2 छोटे ये बीच में, धर्म के अनुयायी, धर्मराज के अनुयायी माने दैवी संपत्ति, पूरा गीता का शिष्य बनना मामूली बात है। युद्ध की परिस्थिति में चित्त इतना एकाग्र है
कि 18 अध्याय सुनते हैं, एक बार भी पूछते नहीं कि कहीं कहीं घोड़ा तो नहीं आ रहा है इधर से। देखो भला कितनी एकाग्रता है, क्या वैराग्य है। नहीं प्रपश्यामि बोलते हैं, क्या गुरुप सत्ति है। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चे शिष्यस्ते अहम्। ये देखो उनके जैसा क्या अधिकार होगा किसी का। बोलते हैं मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। ये छोटा सा श्लोक है, इसको पढ़ देता हूं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतः सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ द्विसंख्याकौ भूत सर्गौ, भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टि, भूत सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपद युक्तानि द्वौ भूत सर्गौ इति उच्येते। द्वया हि प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च इति श्रुतेः लोकेस्मिन् संसारे इत्यर्थः। सर्वेषां द्वै विद्योपपत्तेः। नारायण कौ तौ भूत सर्गौ इति उच्यते, प्रकृतौ एव दैव आसुर एव च। उक्तयोः एव पुनः अनुवादे प्रयोजनम् आह। दैवो भूत सर्गः अभयम् सत्व संशुद्धि इत्यादिना विस्तरशः विस्तर प्रकारैः प्रोक्तः कथितः। न तु आसुरो विस्तरशः, अतः तत् परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः शृणु। शृणु का अर्थ देखना, अवधारय, ये अर्थ। भगवान बोलते हैं देखो ये प्रतिज्ञा वाक्य है, आगे के प्रकरण के लिए प्रतिज्ञा वाक्य है। भगवान बोलते हैं हे पार्थ, संबोधन विभक्ति पे, हे पार्थ अस्मिन् लोके, ऐसे अन्वय करना, हे पार्थ अस्मिन् लोके द्वौ भूत सर्गौ। हे पार्थ इस लोक में दो प्रकार की उत्पत्तियां होती हैं। सर्ग माने उत्पत्ति, नहीं सृष्टि नहीं करो, सर्गौ माने, सर्ग माने यहां है उत्पत्ति। दो प्रकार की उत्पत्तियां हैं, किसकी, भूतों की। भूत सर्गौ में समास क्या है, षष्ठी तत्पुरुष, भूतानाम सर्गः। द्वौ होने से फिर सर्ग का द्विवचन बन गया, क्या बना, भूतानाम सर्गौ द्वौ अस्मिन् लोके। भूत माने क्या, भूत माने पंचभूत ने जोड़ लेना, भूत माने प्रकृति
माने प्रकरण के अनुरोध से भूत माने मनुष्य, कैसा लिखते हैं भास्कर, भूतानाम मनुष्याणाम, रामानुजाचार्य जी ने भी यही अर्थ किया, कर्माधिकारी नाम। पशुवादि करें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भूत का व्युत्पत्त्यर्थ क्या है, भवंती इति भूतानि, तब तो विस्तार हो जाएगा, तो उसमें दैवी आसुरी का कोई मतलब नहीं है। प्रकरण किसका है, जो कर्म का अधिकारी है। तो भाष्यकार भूत शब्द का बहुत साफ अर्थ करते हैं, याद रखना आप लोग, भूत माने भवंती नहीं, भूत माने मनुष्य और सर्ग माने उत्पत्ति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस संसार में, ध्यान दें, अर्थ ये हुआ कि इस संसार में दो तरह के मनुष्य जन्म से ही देखे जाते हैं, ये सरल अर्थ है। माने बाद में भले थोड़ा उनमें विकास ह्रास हो जाए, बदल जाए, लेकिन दो तरह के मनुष्य उत्पत्ति काल से ही, माने अपने जन्म से ही दो तरह के लोग देखे जाते हैं। हे पार्थ, अस्मिन् लोके द्वौ भूत सर्गौ, वो दो कौन हैं, तो नाम ले रहे हैं, आसुर दैव आसुर एवच, एक उत्पत्ति है दैव, दूसरी है आसुर। दैव देखो वृद्धि इसमें हुई है, देव से वृद्धि करके दैव बनाते हैं, उसका परार्थे, यहाँ पर परार्थे तद्धित है, परार्थे का मतलब क्या हुआ, देव से संबंधित, स्वार्थे न होकर के देव से संबंधित, माने क्या, संपत्ति। सो दैव शब्द का अर्थ क्या बनेगा, संपत्ति, दैवी संपत्ति, देव संबंधित संपत्ति। इसी तरह से असुर में भी वृद्धि हुई है, आसुर शब्द है, तो उसका अर्थ क्या बना, असुर की संपत्ति। ये देखो, मेरा शब्दों से दोस्ती करो, पहचानो, दैव आसुरम एवच, आसुर एवच हो गया। अब दैवो विस्तरश, देखो संपत्ति शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं भगवान, क्या बोलना चाहिए था, दैवी संपत विस्तरश, लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं मानी जा रही है, क्या लिख रहे हैं, दैवो। तो चूंकि इसमें वृद्धि लगी हुई है, इसलिए दैवो शब्द का अर्थ आप देव संपत्ति समझ लें। ये ऐसे ही है जैसे दाशरथी कहने से अलग से राम बोलने की जरूरत नहीं होती, ये सौमित्र बोलने से अलग से लक्ष्मण बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे दैवो अने देव संपत्ति का विस्तार से मैंने वर्णन किया। विस्तार कैसे किया, 26 गुण बताए, अव्ययम सत्व सम शुद्धि इत्यादि द्वारा दैवो विस्तर सह प्रोक्तः। लेकिन आसुरम, तो आसुर संपत्ति का हमने विस्तार से वर्णन नहीं किया, अब करूंगा, ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाक्य क्या हो गया कि अब मैं जो करने जा रहा हूं वो आसुर संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूं, मुझसे सुनो, मैं श्रुणु, मैं श्रुणु मने मुझसे सुनो। बोले महाराज, आसुर संपत्ति का इतना विस्तार क्यों करना चाहते हैं, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन परिवर्जनार्थम, जिससे कि पहचान होवे और उसको हम छोड़ सकें, भाष्यकार लिखते हैं तत्परिवर्जनार्थम, मिला आसुरम पार्थ में वचनात् उच्चमानम विस्तरसः
सुनो अवधारय, इसको पहचानो, धारण करो। अब भाष्यकार लिखते हैं संगति, देखो विषय बदल रहा है ना, तो अब संगति करते हैं। आ अध्याय परिसमाप्ते, आ अध्याय मने अध्याय की समाप्ति तक, ये देखो प्रयोग देखो, आ अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्शते, प्राणी का विशेषण बना करके आसुरी संपत को दिखाया है भगवान ने, प्रत्यक्षीकरणेन च, हैं, जब बिल्कुल प्रत्यक्ष कोई चीज हो जाती है तो शक्यते, क्या शक्यते, अस्याह परिवर्जनम कर्तुम, इसको छोड़ना फिर संभव हो जाता है। पहले बिल्कुल साफ पहचान होनी चाहिए। बोले महाराज असुर कौन बनाता है, मैं अनुवाद कर देता हूं नहीं तो रह जाएगा लोभ मन में। देखो कहां से असुर बनना शुरू होता है, बुद्धि दोष से। कल हमने बोला था ना शौचम, शौचम में बोला था बुद्धि दोष, विज्ञानमय कोश में अगर दोष है, मान्यता के स्तर पर अगर गलतियां हैं तो कोई नहीं सुधार सकता। ठीक है, आसुर संपत्ति का वर्णन जब कर रहे हैं तब तो किया उन्होंने दंभ दर्प, लेकिन अब जब ठीक से बताना शुरू करते हैं तब कैसे करते हैं। बोले सबसे पहली बात यह है कि इसको अविवेक है, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का। तो असुर अगर मेरे भीतर जी रहा है तो उसका जो प्राण है ना, प्राण जिस आधार पर वो जी रहा है वो ये है कि उसको कर्तव्य अकर्तव्य का कहां प्रवृत्ति होनी चाहिए, कहां प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, फिर कितनी प्रवृत्ति होनी चाहिए, कहां के बाद कितनी भी जोड़ना है। कई बार जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी करने पर सही प्रवृत्ति में भी दोष है। तो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, दो प्रश्न हो गए, जांच कर लेना। ये आपके लिए मैं पैरामीटर कसौटी दे रहा हूं। पहला कहां होना चाहिए कहां नहीं होना चाहिए, दूसरा कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, और तीसरा ज्यादा विस्तार कब तक होनी चाहिए काल में और कब बंद होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल आई टेल यू। एक वाक्य पढ़ा मैंने, वन शुड गेट रिटायर्ड व्हेन पीपुल से वाई वाई वाई। आदमी को उस समय रिटायर होना चाहिए जब लोग कहें क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है, एंड नॉट व्हेन पीपुल से वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट। उस समय रिटायरमेंट का सही टाइम नहीं है जब लोग ये कहने लगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्यों। आई रेड समवेयर दिस इज ब्यूटीफुल सेंटेंस, वन शुड गेट रिटायर व्हेन पीपुल से वाई वाई वाई। मैं समझता हूं क्रिकेट में गावस्कर डिड इट, इवन मेरे मन से निकला कि अभी तो उसने सेंचुरी हिट करी है वाई ही सुन है? और ऐसे लोग हैं महाराज, तो फिर जनता फिर जब बोलने लग जाए वाई नॉट
तो ये अपने में देखना, ये तो फिर दृष्टांत है, प्राणी विशेषण। प्रवृत्ति कहाँ कहाँ नहीं, कितनी कितनी नहीं, मात्रा उसकी तय हो। और फिर माने कम भी न हो, कम होने से अधर्म हो जाता है। माने आपको एक प्रवृत्ति करनी चाहिए, वहां आप नहीं करते हो तो अपयश भी होगा, कर्तव्य की हानि होगी। और ज्यादा कर रहे हो अगेन जो है लोगों को लगेगा कि गलत हो रहा है। नहीं, गलत हो ही जाता है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पर आती है। भगवान ने पहला नाम यही लिया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुह आसुराः। सबसे बड़ा उनका दोष यह है कि वो बेचारे इस बात को तय नहीं कर पाते, कहां कितनी और कब तक काल में। न शौचम, माने अंतर बाह्य पवित्रता पर बहुत सावधानी नहीं है। और इसलिए न च आचार, जीवनचर्या में जो अध्यात्म के आचरण होने चाहिए, शास्त्र के आदेश रूपी आचरण होने चाहिए, वो नहीं है। कल हम इसका करेंगे। चौथी चीज कही, न सत्यम तेषु विद्यते, और झूठ का निवास होने देते हैं। माने दे अलाउ देमसेल्फ टू बिकम झूठा। न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य को धारण करने का जज्बा ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। झूठ बोलने में कोई उनको हिचक नहीं हो पाती। चार हुए ना, क्या सबसे पहला अज्ञान, अविवेक, धर्म के विषय में, स्वरूप नहीं धर्म के विषय में। फिर तीन नीचे, न शौचम, न आचार, न सत्यम। अब जो है वो असली जो बिल्कुल मार्मिक बात कही भगवान ने, वो ये कहा, ये तो नहीं है जो होना चाहिए। और क्या है, मैंने ऐसा थोड़ो है कि कुछ भी नहीं है, क्या है, बोले एताम दृष्टिम, नवा श्लोक। ये इकट्ठे पढ़ने की चीज है, इसलिए अनुवाद देख लो इसका कम से कम। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, अने यही दृष्टि उनकी जीवन में आधार दृष्टि है। क्या दृष्टि है, आठवां श्लोक, माने कंसेप्चुअल फॉल्ट, ज्ञान में गलती है, मान्यता दोष है। विज्ञानमय कोष बीमार है। क्या है भाई वो, बोले जगत के बारे में उनकी धारणा क्या है। जगत आहू, जगत के बारे में लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जगत में कहां सत्य है यार, कहां की बात करते हो तुम। तो जगत में क्या है, बोले असत्यम। असत्यम माने मिथ्यात्वेन निश्चितम न कर लेना, ये गड़बड़ न करना तुम। वेदांती नहीं, असत्यम शब्द का अर्थ क्या है, झूठम। ये हमारी पाणिनी व्याकरण नहीं है, ये झूठम। माने जगत में सत्य की बात चलती नहीं, महाराज कहां की बात करते हो, दुनिया झूठ से भरी हुई, जगत झूठ पर ही चलता है, ये बुद्धि है। ओह, ये बुद्धि कहां से बनाई, भाष्यकार ने कहा उपमान प्रमाण से बनाई है। क्या उपमान प्रमाण है, बोले स्वयं अनृत प्रायः। जरा देखो कहां से बन रही है बुद्धि, चूंकि मैं झूठा हूं इसलिए कोई सच्चा नहीं है, क्या तर्क है।
देख रहे हो, आदमी व्यवहार में अपनी ही उपमा बनाता है। यथा, देख रहे हो भाष्य, यथा वयम अनृत प्रायः, वयम पहले अपने ऊपर आए, तथा इदम जगत सर्वम असत्यम। बोले जगत का आधार धर्म है, अप्रतिष्ठम। दूसरा दोष क्या है? जगत का धर्म रूप में कोई आधार नहीं है। ध्यान देना, यहां अप्रतिष्ठम माने ब्रह्म प्रतिष्ठम नहीं, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? न अस्य धर्मा धर्मो प्रतिष्ठा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि कर्म सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। जो मैनिपुलेशन है दैट इज दी बेस्ट पॉलिसी, ये पहला है असत्यम। और कर्म सिद्धांत ये बकवास है। दो धारणा बन गई, अब तीसरी बनेगी जरूर, क्या? अनीश्वरम। जगत क्या है? न तो इसमें सत्य रहता है, न इसमें कर्म का सिद्धांत है, और कर्म फलदाता वो तो बात ही मत करो। कोई ईश्वर नहीं है, भाष्यकार लिखते हैं, न च धर्मा धर्म सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरः विद्यते इति। धर्म धर्म के अनुसार इस जगत का शासन करने वाला एक परम सत्ता मालिक है, जो पक्षपात नहीं करता और जिसके हुक्म के बाहर कोई नहीं है, ऐसा उनको कोई विश्वास नहीं है। सो ईश्वर गया, कर्म सिद्धांत गया, और सत्य का कोई महिमा नहीं है, वो गया, झूठ भरा। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश बीमार। कॉन्सेप्ट गलत है, टोटल गलती हो गई। चौथी, बोले जगत चल रहा है, जीव पैदा हो रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, इसका कोई हेतु होगा, कर्म हेतु होगा, ईश्वर हेतु होगा। आखिर यह जीव इस परिवार में आया, उस परिवार में नहीं गया। इस जीव के शरीर में स्वास्थ्य है, बीमारी है, इस जीव के जीवन में शुभ परिस्थिति है, अशुभ परिस्थिति है, इस जीव में दैवी संपत्ति दिखाई दे रही है, असुर संपत्ति दिखाई दे रही है, तो आखिर इसका कोई हेतु होना चाहिए। बोले ये सब बात फालतू, बंद करो। जन्म के पीछे कोई सतत जीव का जन्म हो रहा है, ये सब बेकार की बात है। कोई जीव नित्य नहीं है, फिर नित्य नहीं है तो उसका कर्म भी नहीं है, गया, और फिर उस कर्म के अनुसार उसको जन्म देने वाला ईश्वर भी नहीं है, तो फिर जन्म कैसे हो रहा है? बोले अपरस्पर संभूतम, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये जो जीव समुदाय है, प्राणी समुदाय, जो देहधारी समुदाय कहो, प्राणी तो मानना ही नहीं है तो फिर क्या करना, तो देहधारियों का जो समुदाय है, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य सब जगह बिल्कुल प्रत्यक्ष ही शरणा, प्रत्यक्ष में विश्वास करते हैं, क्या इनका नियम है? अपरस्पर संभूतम, परस्पर नहीं, क्या? क्योंकि स्त्री और पुरुष का संयोग है ना, पुरुष पुरुष का नहीं, स्त्री स्त्री का नहीं, तो अपर पर, आपको आया पकड़ में?
नहीं आया। पर बोलते तो गलत हो जाना था, तो क्या शब्द बोल रहे हैं, अपर पर। ये अन्य अन्य का संयोग भाष्यकर कैसा बोलते हैं, काम प्रयुक्त यो हो स्त्री पुरुष यो हो अन्योन्य संयोगात। माने सजातीय का संयोग नहीं है, विजातीय का है। इस विजातीयता को दिखाने के लिए परस्पर शब्द न दे करके क्या शब्द दिया, अपरस्पर। ये अपरस्पर संभूतम काम हेतुकम, यह जो संयोग हुआ वो उसका हेतु कौन बना, बोले काम हेतुकम। किम अन्यत, ये आक्षेप है। ये जो दूसरी बात कहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कस के आक्षेप करते हैं ये लोग, किम अन्यत, कोई और हेतु तुमने कहीं देखा है, ये है आक्षेप। कैसा, तुमको कोई व्याप्ति मिली आज तक? अच्छा, इनका अनुमान कैसे बनेगा? जीवाः संभूताः, प्रतिज्ञा हो गई, ठीक है। कैसे संभूताः, अपरस्पर संभूताः। तत्र अपरस्परस्य को हेतु, परस्पर स्त्री पुरुष के सन्निकट आने का हेतु क्या, तो हेतु क्या देंगे, काम हेतुकम, ये शब्द बनेगा। देखो पूरा अनुमान है इसमें, काम हेतुकम इति दृष्टम, ये दिखाई देता है काम की प्रेरणा से स्त्री पुरुष हर योनि में सन्निकट आते हैं और उन्हीं के संयोग से तो सृष्टि चलती है, ठीक है चलती है। कि मन्य, तुम बताओ एक भी कोई ऐसी व्याप्ति बताओ कि कोई और हेतु से जीव पैदा हुआ हो, माने जिसमें स्त्री पुरुष न हो, यही आक्षेप देखो, संयोग न हो, स्त्री पुरुष न हो और स्त्री पुरुष के सन्निकट आने के पीछे काम का हेतु न हो, तो तुम मुझे बताओ कि मन्यत, अन्यत हेतु बताओ तुम, मैंने तो बता दिया, मैंने क्या बताया, काम हेतु कम, तुम क्या बताओगे, काम के अलावा हेतु बताओ। ये है कैसा बोलते हैं भाष्यकार, काम हेतु कम। रामानुजाचार्य जी ने पूरा अनुमान बना के दिखाया है इस पर, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत और फिर ये जो किमन्यत शब्द है ना, ये कैसा है, क्या बोलोगे, व्यतिरेकी हेतु, ये तो अन्वयी हो गया ना, कि मन्यत व्यतिरेकी हेतु है, तुम और बताओ कोई और हेतु दिखाओ, ऐसे बोल बोलते हैं, काम हेतु कम एव काम हेतु कम किमन्यत जगतः कारणम, ये आक्षेप है, किमन्यत जगतः कारणम न किंचित, खुद ही उत्तर दिया, न किंचित कोई नहीं, और तुम जो कहते हो ना अदृष्टम धर्म धर्मादि कारणांतरम विद्यते जगतः, काम एव प्राणी नाम कारणम इति, बोले वो सब बेकार की बात है, हमने आज तक देखा नहीं, अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ क्या हुआ, हमने नहीं, अदृष्ट माने धर्म धर्मादि कारणांतर हमने नहीं देखा। हमने जो देखा मैं उसमें बिना लाग लपेट के बोल रहा हूं। तो इनकी महाराज चार कॉन्सेप्ट हैं और जो चारों कॉन्सेप्ट इनको असुर बना देती है, असुर निर्माणकारी मान्यता, वाह
क्या मान्यता बनी? असुर निर्माणकारी मान्यता, असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुः अनीश्वरम, चौथी है अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। बस ये चार वृत्तियां हो तो और आप कुछ न करो, बस वो वृत्तियां ही भीतर ऐसा घोल घोल तैयार करेंगी ये तो इस घोल को पी पी के तो वो जनाब जो हैं बिल्कुल म्लेच्छ हो जाने वाले हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।